बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो थर्ड जो डॉक्टर याजुद्दीन स्कूल है उसके पहले दिन का आज तीसरा सेशन हम शुरू कर रहे हैं और इसका जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोर्स आज हम शुरू कर रहे हैं। तो 5 दिन पे ये टोटल जो मुश्तमिल कोर्स है, एक रिफ्रेशर कोर्स है, तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर कर लें। लेकिन हमारी ऐसा कोशिश नहीं होगी कि सारी चीज़ें हम कवर करते जाएं और कुछ भी समझ ना आए। और अली शबा साहब का जो पहला लेक्चर था उसमें कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे और उनका भी जो एनालिसिस था बड़ा एक अच्छा एनालिसिस उन्होंने किया। वो ब्रीफली मैं बता देता हूँ, एनालिसिस उनका ये था कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बेसिक चीज़ें भी कवर करें ताकि सब्जेक्ट की जो कोर चीज़ें हैं वो आपको समझ आना शुरू हो जाएं और इस रिफ्रेशर कोर्स का कोई ना कोई आपको फ़ायदा लाजमी हो। तो बहरहाल आज मैं जो पहला लेक्चर है इसके पहले कोर्स आउटलाइन बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें आज हमने कवर करनी हैं। तो चंद एक टॉपिक्स हैं जो हम हमारी कोशिश है कि कवर हो जाए। लेट्स सी के कितने टॉपिक्स हम कवर कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो टॉपिक मैं लेके चलूँगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है आज, यानी कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही सारा डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पहले तो हम ये देखेंगे कि चार्जेस क्या हैं, चार्जेस की टाइप्स कौन सी हैं, और उसके बाद अगला जो टॉपिक आ जाएगा चार्जेस को लेते हुए फोर्स होगा, फील्ड होगा और उससे रिलेटेड लॉज होंगे, जिसमें एक कूलम लॉ है और दूसरा गॉस लॉ है, और उनकी हेल्प से हम कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ या ऑब्जर्वेबल्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। जो हाशिम साहब ने आज कोर्स शुरू किया है तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्होंने की है। तो मैकेनिक्स का कोर्स पहले क्लासिकल मैकेनिक्स का पहले जो फर्स्ट स्कूल ऑफ रियाजुद्दीन था उसमें कवर किया गया था, लेकिन उसमें यही चीज़ महसूस की गई थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हमारी तवज्जो नहीं थी, तो इसलिए मैंने एक दो प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड की हैं ताकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं आपको साथ साथ उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट फार्मूलाए होते हैं। अब यहाँ क्योंकि हम चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने जा रहे हैं तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हम ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट से या डायमेंशन के रिस्पेक्ट से करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन वो होगी जिसको वन डायमेंशनल
अच्छा जी, अब थ्री डायमेंशन के अंदर एंड क्यू आई बाय आर आई इस तरह के आर स्क्वायर इज क्यू क्यू अगर आप यहाँ से देखें दैट विल बी लैम्डा इनटू एल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप जी हाँ जी आ रही है बस जी जी। तो अब नेक्स्ट जो आइडिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है या लाइंस ऑफ फोर्स का। नाउ लेट्स सी व्हाट आर लाइंस ऑफ फोर्स। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप तक आवाज़ जा रही है, ये आवाज़ मैं खुद आपकी तरफ नहीं लेके जा रहा बल्कि एक वेव्स के थ्रू आप तक जा रही है। उन वेव्स को आप रफली ये कह सकते हैं ये ऐसी लाइंस हैं जो आप तक आवाज़ लेके जा रही हैं या मेरे और आपके दरमियान इंट्रैक्शन का बायस बन रही हैं। सिमिलरली जो दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंट्रैक्शन करते हैं तो उस इंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी फील्ड लाइंस सपोज करते हैं। दोज इमेजिनरी फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इसको डिफाइन किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यू कैन से लाइंस ऑफ फोर्स। इमेजिनरी आर हाइपोथेटिकल लाइंस, imaginary lines that represents the interaction between two charges। ठीक है, जब भी interaction की बात होगी ये बात तो clear है कि at least two charges लाजमी होंगे। लेट्स सपोज के एक आपके पास सोर्स चार्ज है दैट इज स्मॉल क्यू एंड देर इज अनदर चार्ज यू कैन से प्रोब या टेस्ट चार्ज उसको कहा जा सकता है दैट इज कैपिटल क्यू। अब ये चार्ज दूसरे चार्ज पे जब फोर्स लगाता है तो इस फोर्स को एक लाइन के थ्रू शो किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सपोज करते हैं कि ये चार्ज मूव करके आप किसी और जगह ले जाते हैं टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज को जब मूव करके हम लाइक यहाँ पे ले आते हैं तो यही फोर्स क्या होगी कि इस डायरेक्शन में अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे आप टेस्ट चार्जेस रख सकते हैं इसके सराउंडिंग में। तो इसके सराउंडिंग में जब आप टेस्ट चार्जेस रखते हैं आप देखते हैं कि इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में इस तरह की डिफरेंट लाइन्स अपीयर हो जाएंगी। ये लाइन्स जो हैं इन तमाम लाइन्स को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से बिहेव करती हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से और बनती हैं, नेगेटिव चार्जेस की वजह से और बनती है। एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि जो टेस्ट चार्ज है या प्रॉब उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अगर ये पॉजिटिव है टेस्ट चार्ज और ये वाला चार्ज जो सोर्स चार्ज है ये भी पॉजिटिव है
तो ड्यू टू रिपल्शन ये जो फील्ड लाइन बनेगी ये आउटवर्ड बनेगी. लेट सपोज ये जो सोर्स चार्ज है ये नेगेटिव है, ड्यू टू अट्रैक्शन ये फील्ड लाइन क्या बनेगी, इनवर्ड बनेगी. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शो की जा सकती हैं डिफरेंट ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. अगर आप सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शो करना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ ये बनेंगी. ये आपके पास सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, तो इसके आउटवर्ड आप डिफरेंट डायरेक्शन में फील्ड लाइन्स शो कर सकते हैं. देर आर अ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स. अच्छा, अब फील्ड लाइन्स कितनी हमने शो करनी है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी फील्ड लाइन्स शो करनी है. फील्ड लाइन्स की आमतौर पे जो तादाद होती है वो होती है स्मॉल एन, बट इट डिपेंड्स ऑन दी 2πr और 4πr2. ये यहाँ पर डिसाइड करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये देखा था कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो है 1/r2, ठीक है. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो है 1/r या 2πr का फैक्टर है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैंने इधर शो की हैं ये कौन सी हैं, ये आपको एक सर्कल बनाती हुई नज़र आ रही है, टू डायमेंशनल है, ठीक है. तो टू डायमेंशनल के रिस्पेक्ट से हमें फील तो ये होता है कि यही वाला होना चाहिए, ठीक है. लेकिन क्या वाकई ये टू डायमेंशनल ही होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें फिजिकली, ये एक स्फीयर बना रही होती है. उस स्फीयर के सेंटर से सेंटर के अंदर अगर सोर्स पड़ा है तो हर साइड पे फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं. तो यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्चुअली यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा. जो आपने पहले भी क्वेश्चन किया था कि 1/4πr² ही क्यों होता है, 2πr क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ये स्फीयर के एरिया को डिफाइन कर रहा है, तो यही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को डिफाइन करेगा, n/4πr². ये फार्मूला इसके लिए बिल्कुल गलत होगा. तो सिमिलरली अगर आप लिखना चाह रहे हैं फॉर दी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए भी इसी तरह से फील्ड लाइंस बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. इसी तरह से फील्ड लाइंस होंगी बट इनवर्ड. अच्छा, ये तो होगी डिफरेंट सिंगल चार्जेस के लिए. लेकिन आपके पास सिंगल चार्जेस के अलावा कपल ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज, यानी कि लाइक चार्जेस हैं. लाइक चार्जेस के पास अगर आप एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, यानी कि नेक्स्ट हम जो बनाएंगे वो है फॉर कपल ऑफ चार्जेस. अब कपल ऑफ चार्जेस में दो हो सकते हैं, एक है लाइक चार्जेस और दूसरा है अनलाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस के लिए अगर बनाते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है. अब पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन है वो इस तरह से आउटवर्ड जा रही है, इस पॉजिटिव चार्ज की भी फील्ड लाइन आउटवर्ड जा रही है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्लैश है ड्यू टू रिपल्शन, तो ये कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकती. तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये टिल्ट हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगी इन अनदर डायरेक्शन, ठीक है. मतलब कि ये किस तरह से बननी चाहिए फील्ड लाइंस, ये फिर फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी कि ये फील्ड लाइन यहाँ पे आके डाइवर्ट हो जाएगी, सिमिलरली ये फील्ड लाइन भी डाइवर्ट हो जाएगी. तो ये इस तरह से इनकी फील्ड लाइंस बनेंगी. हाँ, अब ये जो फील्ड सेम रहेगी और यहाँ पर भी जो आउटवर्ड जा रही होंगी वो सिमिलर रहेंगी, उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. ये कपल ऑफ चार्जेस की वजह से आ जाता है फील्ड लाइन पैटर्न. अच्छा, कपल चार्जेस के बाद अगला जो पैटर्न आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का आ जाता है. इफ यू हैव अ पॉजिटिव प्लेट दैट हैज नंबर ऑफ चार्जेस एंड देर इज अनदर प्लेट दैट हैज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. फॉर एग्जांपल, ये एक प्लेट है, इस प्लेट पे आप कह लेंगे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, देर इज अनदर प्लेट हैविंग नेगेटिव चार्जेस, तो इनका फील्ड लाइन पैटर्न क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो ऑड रख रहा हूँ, उनकी जो तादाद है वो मैंने ऑड रखी है. ये भी आपको पता चल जाता है इसकी रीज़न क्या है.
अच्छा, ये जो फील्ड लाइन है ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे एंड हुई, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे एंड हुई, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे एंड हो गई। अब ये फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड होनी चाहिए और ये स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, इसमें थोड़ा सा कर्वेचर आ जाता है। उसकी रीज़न क्या है? ये फील्ड लाइन पैटर्न इस तरह से बनता है, सिमिलरली इस फील्ड लाइन का भी पैटर्न इस तरह से बनता है। अब इसकी रीज़न ये है कि अगर आप किसी सेंटर वाली फील्ड लाइन को ऑब्जर्व करते हैं, लाइक आप इसको ऑब्जर्व कर लें, इसको ऊपर से भी एक फील्ड लाइन रिपेल कर रही है, यानी कि इंट्रैक्शन है, नीचे से भी एक फील्ड लाइन इक्वल फोर्स के साथ रिपेल कर रही है, और यहाँ पर इस फील्ड लाइन के लिए भी ऐसा ही है, इस नीचे से एक फील्ड लाइन है, ऊपर से भी एक फील्ड लाइन है, सिमिलरली फॉर दिस लाइन। लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, इस फील्ड लाइन को, इस फील्ड लाइन में ऐसा नहीं है, इस फील्ड लाइन को ऊपर से तो रिपल्शन का सामना है, लेकिन इसके नीचे कोई ऐसी फील्ड लाइन नहीं है जो इसको रिपेल कर सके, तो ड्यू टू रिपल्शन ये फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी, बल्कि इसमें थोड़ा सा कर्वेचर आ जाएगा। सो दिस इज द फील्ड लाइन पैटर्न ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जी, एनी क्वेश्चन? जी नेगेटिव लेने से बस आप उसी तरह से चीज़ें चेंज कर लें, लाइक ये आपके पास प्रॉब है, टेस्ट चार्ज है, और ये आपके पास है सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज तो दोनों टाइप के हो सकते हैं, सॉरी इसको अब नेगेटिव लेना है, ये आप कह रहे हैं ना, टेस्ट चार्ज को हम ले रहे हैं नेगेटिव, और जो सोर्स चार्ज है वो तो बोथ टाइप के हो सकते हैं। लेट्स सपोज जो आपके पास है सोर्स चार्ज वो है नेगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, हमने फोर्स इसकी देखनी है कि सोर्स चार्ज कौन सी फोर्स लगा रहा है, टेस्ट को नहीं देखना। रेडियली इनवर्ड है फॉर द केस व्हेन वी टेक टेस्ट चार्ज एज पॉजिटिव चार्ज। नहीं कर आप अब टेस्ट चार्ज उसको छोड़ दें जो पहले आपके माइंड में है ना, उसको छोड़ दें, ये जो डायग्राम है इसको फिलहाल अंडरस्टैंड कर लें। टेस्ट चार्ज आपके पास है नेगेटिव, सोर्स चार्ज कौन सा है वो लेट्स सपोज नेगेटिव है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। अब नेगेटिव के लिए हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि इनवर्ड होंगी या कि आउटवर्ड होंगी। जब आपने नेगेटिव चार्ज लिया है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर कैसे असरअंदाज होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। और इसके कंपैरिजन में अगर आप सोर्स चार्ज ले लेते हैं पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब आपने टेस्ट चार्ज को रिप्लेस कर दिया विद द नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड लाइन्स का पैटर्न भी डिफरेंट हो जाएगा। फील्ड लाइन का जो आपके पहले माइंड में है ना कि इनवर्ड है फॉर दी नेगेटिव चार्ज, वो उस सूरत में अगर आप कन्वेंशन लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, इफ़ यू टेक टेस्ट चार्ज एज नेगेटिव, तो कन्वेंशन बाय जो है इसका पैटर्न वो भी चेंज हो जाएगा। अब इनवर्ड किसका बन जाएगा फॉर दी पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड किसका होगा फॉर दी नेगेटिव चार्ज। लाइट चार्जेस के लिए आप कह सकते हैं कि जो है वो आउटवर्ड होगा और डिसलाइक चार्जेस के लिए, अनलाइक चार्जेस के लिए इनवर्ड। जी बिल्कुल, हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब इसी तरह से फिर आप कपल ऑफ चार्जेस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ये सिंगल चार्ज के लिए मैंने डिफाइन किया है जी। अब आखिरी एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूँ, जो अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिस्कस किया था कि ये क्योंकि अब टू डायमेंशनल सरफेस है हमारे पास जो बोर्ड भी है, तो अगर एक्चुअली आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखना चाहते हैं तो वो एक स्फीयर के लिए ही होंगी, स्फेरिकल सरफेस ही हम डिफाइन करते हैं, स्फेरिकल यहाँ पे एक स्फीयर बना के तो उससे हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अगर है सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो
वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर तरफ निकलेंगी। एग्जांपल यहाँ से ये एक सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है, इस जो सोर्स चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप हर तरफ बना सकते हैं। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न इमर्जिंग फ्रॉम दिस चार्ज। तो ये जो आपके पास एक सरफेस बनेगी, ये थ्री डायमेंशनल सरफेस होगी। इसका अगर आप यहाँ पे एरिया देखें वो होगा 4π फॉर द होल सरफेस, 4π r² ठीक है। और अगर सर्कल इज्यूम करते हैं टू डायमेंशनल तो वो 2π r हो सकता है। लेकिन मैं जस्ट ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसके अंदर अगर आपका ये आइडिया है कि 1 or 2π r आना चाहिए, वो उस वक्त तो ट्रू है अगर आपके पास कोई ऐसी सरफेस है जो कि टू डायमेंशनल है। जबकि फोर्स जो है टू डायमेंशनल के अंदर नहीं, हम आमतौर पे जब भी देखते हैं फोर्स थ्री डायमेंशन में ही एक्ट कर रही होती है। तो दैट्स वाई 4π r² ही आएगा। जी कितना टाइम है, चलें तो जी 4π r² जी। तो यहाँ पे इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो कल इंशाल्लाह मैं पहले बता दूँ कि चंद एक टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप उसको प्री स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक होगा, और दूसरा गाजला, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस होंगी, जैसे कि पॉइजन इक्वेशन है, लैप्लास इक्वेशन है, और अगर टाइम मिला तो जो वर्क डन इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टॉपिक भी स्टडी करेंगे। जी एनी क्वेश्चन। इसकी बात कर रहे जी, हाँ ये वाली लाइंस जो है ये अफेक्ट नहीं होंगी। ये वाली भी अफेक्ट नहीं होंगी, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये इंट्रैक्शन नहीं कर रही, इनके कोई चांसेस नहीं है क्रॉस करने के। जी तो अब इस पे इम्पैक्ट होगा, ये डाइवर्ट हो जाएगी किसी एक तरफ। अब किस तरफ डाइवर्ट होगी, यहाँ से भी एक फील्ड लाइन जा रही है, ये डाइवर्ट हो जाएगी इस तरफ आप कहना चाह रहे हैं, इस तरह से। अगर एक और चार्ज हम रखते हैं इन दैट केस, लेकिन उसका अपना भी एक पूरा फील्ड पैटर्न होगा, वो हम सुपर पोजिशन से या सारी फील्ड लाइंस देख के ही बता सकते हैं। टेस्ट चार्ज को रख के ही बनाई गई, ये कपल ऑफ चार्जेस है ना, इससे पहले जो सिंगल चार्ज के लिए थी। जी जी तो यही आप पूछना चाह रहे हैं, मैं बताता हूँ ये क्या पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, टू चार्जेस, तो इनकी फील्ड को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे जी। वो जब चार्ज इंट्रोड्यूस होगा तो वो फील्ड लाइंस को कैसे इम्पैक्ट करेगा, यही आपका क्वेश्चन है ना। कपल ऑफ चार्जेस हैं तो उसमें वो दोनों चार्जेस ही एक सोर्स और एक टेस्ट के तौर पर सोर्स लेकर, बिल्कुल ये एक थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हाँ जी, थर्ड को टेस्ट चार्ज के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यही आप कह रहे हैं थर्ड चार्ज, अनदर चार्ज। ये फील्ड लाइन होती है कहीं पे भी, या अगर हमने फील्ड लाइन ड्रा की है, अब वहीं पे चार्ज आके टेस्ट चार्ज की वजह से कहते हैं कि बिल्कुल मामूली सा होता है, यानी कि अफेक्ट नहीं करता कि वो फील्ड को, सोर्स की फील्ड को। अब वहाँ पे जो चार्ज रखेंगे टेस्ट चार्ज को,
उस पे जो लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन होती है सेम डायरेक्शन होती है जो जिस डायरेक्शन में वहाँ पे वो फील्ड लाइन है। यहाँ पे आपने फील्ड लाइन बनाई है परपेंडिकुलर, यानी कि उस पे फोर्स भी परपेंडिकुलर लग रही है, लेकिन फोर्स अगर आप यहाँ पे रख के देखें तो परपेंडिकुलर नहीं लग रही, दाएं साइड पे लग रही है, यानी कि यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो डिस्टिंक्ट बनेगी, डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं बनेगी। ये उस केस में बनेगी अगर आप एक और चार्ज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अगर ये चार्ज फॉर एग्जांपल प्रेजेंट नहीं है और उसके लिए आप कहते हैं कि ये स्ट्रेट की बजाय टिल्टेड बनेगी, वो स्ट्रेट ही बनेगी, तो वो स्ट्रेट ही बनेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर चार्ज ना भी हो तो उसके बावजूद ये स्ट्रेट नहीं बननी चाहिए, टिल्टेड बननी चाहिए। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली मैंने डिस्कस नहीं की है कि आप डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स कैसे फाइंड पढ़ाना, तो उसके मुख्तलिफ साइड पे लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है अंदर की तरफ। अब एक टेस्ट चार्ज इधर पड़ा या फोर्स चार्ज इधर पड़ा, टेस्ट चार्ज मैंने इधर, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक, अगर ये दोनों ऐड ऑन आ रहे हैं तो फिर जाहिर बात है जो ये वाली जो लाइन आएगी और ये वाली लाइन जो आएंगी टिल्ट हो जाएंगे, अगर सेम इनके स्ट्रेंथ होगी तो फिर ये इधर को जाएंगी या नीचे को जाएंगे, समझ लगी है। अगर इनमें से किसी एक की फील्ड ज़्यादा होगी और एक की फील्ड कम होगी तो वो फिर उसको दूसरे को धकेल के दूसरी साइड पर ले लेंगे, इस तरह उसको कर देंगे, समझ लगी है, ऐसे होगा, या उसको नीचे को डाउनवर्ड करेगी इस तरह को, या उसको अपवर्ड इस तरह करेगी। उन दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम होनी चाहिए, ये आप पूछना चाह रहे हैं। अगर पीट सेम है तो फिर क्या होगा, अगर दोनों की पीट स्ट्रेंथ सेम नहीं है तो फिर क्या होगा। ये तो सेम, उनका क्वेश्चन सिंपल यही है कि स्टिल हम कोई टेस्ट चार्ज नहीं भी रखते, ये दोनों चार्जेस मौजूद हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं, जस्ट ये दो चार्जेस ही हैं, तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं बननी चाहिए, ये टिल्टेड बननी चाहिए, ठीक है, जबकि मेरा क्लेम ये है कि ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, और स्ट्रेट होने की मैंने रीज़न भी बता दी है कि इसको कोई अदर फील्ड लाइन अफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ मिनट, ये फील्ड लाइन जो है, सॉरी, ये जो फील्ड लाइन है ये भी इसको इक्वली इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, मैं बता दूँ, ये जो बना के दिखाया था कि ये टिल्ट क्यों हुई है और ये क्यों नहीं हुई, उसकी रीज़न मैंने बताई थी कि ये वाली फील्ड लाइन इसका इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन नीचे से कोई ऐसी फील्ड लाइन मौजूद नहीं है जो उसका इम्पैक्ट कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस फील्ड लाइन को ये वाली भी फील्ड लाइन इम्पैक्ट कर रही है, ये फील्ड लाइन भी इक्वली इम्पैक्ट कर रही है, दैट्स वे ये किसी एक तरफ टिल्ट नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट ही रहेगी। उसके कंपैरिजन में ये वाली जो फील्ड लाइन जो टिल्ट हुई है, इसकी रीज़न क्या है कि ये इसको रिपेल कर रही है, दैट्स वे ये टिल्ट हुई है, तो ये स्ट्रेट ही होगी, ये टिल्टेड नहीं हो सकती। जी जी, करंट की तो मैथमेटिकल एक तो डेफिनेशन है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन तो वेरी सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड टाइम टेकन, और दूसरी आप इसको कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कह सकते हैं। तो इसमें अब सम टाइम ना एक कन्फ्यूजन होती है करंट की डेफिनेशन करने में, हम कन्फ्यूजन इसकी डेफिनेशन में ये होती है, इसको हम कह देते हैं करंट को हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, और सम टाइम इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और सम टाइम इसको हम कह देते हैं करंट को के चार्ज पर यूनिट टाइम भी कह देते हैं, रेट ऑफ चार्ज फ्लो भी कह देते हैं, लेकिन एक और अब स्किप हो गया मेरे माइंड से, इसकी मिसाल यूँ है कि जब हम कहते हैं कि ये सड़क बहुत चलती है, तो अब सड़क बहुत चलती से मुराद ये होता है कि उस पर ट्रैफिक चलती है,
जैसे हम आमतौर पे कह देते हैं फ्लो ऑफ करंट, ये वर्ड हम गलत यूज करते हैं, ये ठीक है, फ्लो ऑफ करंट। अब सड़क चलती है, सड़क चलना कोई ठीक टर्म नहीं है, सड़क के ऊपर ट्रैफिक चलती है, ठीक है। तो ट्रैफिक जिस जगह पे चल रही हो तो उसको रोड या सड़क का नाम देते हैं। इसी तरह फ्लो ऑफ करंट भी हम आमतौर पे कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल टर्म ये है फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस को ही नाम दिया जाता है करंट का, तो लेकिन कॉमनली हम यूज़ कर लेते हैं फ्लो ऑफ करंट भी। इसके आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फ्लो ऑफ करंट जहाँ पे यूज़ किया जाए उसका मतलब यही लिया जाएगा कि फ्लो ऑफ चार्जेस ही है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो जैसे थर्मल करंट भी है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें वो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा। चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, एयर के करंट को एयर करंट, एयर करंट। और जिस तरह से आप घर के अंदर हीटर चलाते हैं तो ऊपर कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस, हीट के फ्लो को आप थर्मल करंट कह सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? जी जी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये पिछले सेशन का अगर आप देखें उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल्स इन दोनों में फ़र्क बताया गया था, जो सेकेंड रियाजुद्दीन स्कूल था उसमें। जी जी जी, मैंने बात की थी माइक्रो चार्ज की और मैक्रो चार्ज की, और मैक्रो चार्ज में मैंने अल्टीमेटली यही बताया था कि दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ माइक्रो चार्जेस। माइक्रो चार्जेस में आयंस भी आ जाते हैं, एटम्स भी आ जाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। जो बेसिक एंटिटी है चार्ज की, अगर वो आप देखें जो क्वांटाइजेशन में भी मैंने बताया था, क्वांटाइज्ड चार्ज है कि हम कहते हैं चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। और इसकी एग्जांपल एक दी थी कि अगर आप बाज़ार जाते हैं और आपने अंडे ख़रीदने हैं तो कभी भी आप दुकानदार को ये नहीं कहते कि 2.5 अंडे दे दें, 3.5 अंडे दे दें, तो आप हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही ख़रीदते हैं, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम नंबर। तो इसी तरह चार्ज को भी हम कहते हैं कि वो क्वांटाइज्ड है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम क्वांटिटी। लेकिन उसके बावजूद ऐसे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जिनका चार्ज फ्रैक्शन में भी होता है। तो फ्रैक्शन में किन का होता है? क्वार्क्स का। लेकिन क्वार्क कभी भी सिंगल स्टेट में नहीं मिलते, क्वार्क हमेशा कई ऐसे स्टेट बना के मिलते हैं कि जिसमें चार्ज अगर आप देखें तो वो क्वांटाइज्ड होगा। तो चार्ज की जब भी हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे जहन में एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही आते हैं, जो बेसिक एंटिटी है चार्ज की। तो दैट्स वाई कूलम लॉ उन पे ही एप्लीकेबल है। हम बेसिक लेवल पे जाके चार्जेस की स्टडी करते हैं, माइक्रो लेवल पे ही करते हैं, अलबत्ता मैक्रो लेवल पे भी की जा सकती है। तो दैट्स वाई हमारे जहन में फौरी तौर पे पॉइंट चार्जेस ही आते हैं। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में भी हम देखते हैं जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, वो माइक्रो लेवल के चार्जेस ही होते हैं। तो पॉइंट चार्जेस ही हम आमतौर पर स्टडी करते हैं। और शायद इसकी एक रीज़न ये भी है, अगर आप में से किसी को पता है वो इसको इंडोज कीजिएगा, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी रेंज क्योंकि स्मॉल होती है, तो रेंज स्मॉल होने की वजह से हम इसको पॉइंट पार्टिकल को ही स्टडी करते हैं आमतौर पर कूलम लॉ में। अगर इसकी रेंज लार्ज होती तो फिर पॉइंट पार्टिकल की बजाय मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को भी इसमें स्टडी किया जाता। जी बिल्कुल, ग्रेविटी के अंदर हमें पूरी एक ज्योमेट्री डेवलप करना पड़ी, रिमेनियन ज्योमेट्री इसको स्टडी करने के लिए। नहीं, इनका सवाल भी वैलिड है। अगर पहले इसको डिफाइन कर लेंगे फिजिकली इसका मतलब क्या बन रहा है लाइंस का, तो लाइंस का मतलब यही बन रहा है ना कि अगर यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज रखें या टेस्ट चार्ज रखें तो
इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इसके मुताबिक इस डायरेक्शन में लगेगी। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं हम, यहाँ पे इसकी सिर्फ केले इसकी फोर्स यकीनन इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये चार्ज जो पड़ा है ये भी फोर्स अप्लाई करेगा इस पर, तो जो फोर्स बनेगी तकरीबन इस तरफ बनेगी, यानी कि ये अच्छा ठीक है, मतलब कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक बात तो ये है कि ये चार्ज इस पे इंट्रैक्शन जब करता है, सुपर पोजिशन में भी हम यही देखते हैं कि हम ये जो एक दो तीन ये आपने जो क्रॉस की हैं लाइनें, ये पहली बात है क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट कर नहीं सकते, ठीक है। और फिर इनका जो इम्पैक्ट है इस चार्ज पे वो तो इधर ही टिल्ट होने से नज़र आ जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये वाला चार्ज जो है इसको इंट्रैक्ट करे आके, इसकी इंट्रैक्शन इसके साथ ही होनी है, इसके साथ नहीं होनी, यानी कि चार्ज की फोर्स इस तरफ ही लगेगी और मूव भी इस तरफ। हाँ, अगर आप इसको बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं रखते, लेफ्ट एंड राइट रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप रखते हैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे, तो फिर तो डेफिनेटली ये डाइवर्ट हो जाएगी इस तरफ या इस तरफ, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज किधर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर चार्ज आप स्ट्रेट वे में रखते हैं यहाँ पर इसके बिल्कुल ऊपर, तो उस सूरत में ये इसको जस्ट रिपेल ही करेगा, ये वाली जो फील्ड लाइन है ना लेफ्ट साइड पे डाइवर्ट होगी ना राइट साइड पे डाइवर्ट होगी, और जो लगने वाली फोर्स होगी वो सिर्फ इस सोर्स की वजह से होगी, इस सोर्स के अंदर भी इसको भी इम्पेक्ट नहीं करेगी, इसको भी इम्पेक्ट नहीं करेगी, जो इसके बिल्कुल सामने फील्ड लाइन है सिर्फ उसको इम्पेक्ट करेगी। प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें ना, तो प्रॉपर्टीज़ में ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, लेकिन सुपरइम्पोज तो हो रही है ना, यानी कि यहाँ पे भी सुपरइम्पोज हुई, मिसाल के तौर पर आप ये कह रहे हैं इंटरसेक्ट नहीं हुई, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्ट खबे जा वाला है नहीं देखें ग्राफिकली कैसे सुपरइम्पोज होंगी, वो असल मसला ग्राफिकली है ना। अब ये देखें ये जो चार्ज है ना, ये या इसको इम्पैक्ट करेगी या इसको इम्पैक्ट करेगी या इसको इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है इस फील्ड लाइन का हो सकता है, इस चार्ज का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। असल में ना ये वो जिस तरह आपने लाइन खींची ना बेटे, उसके साथ और भी लाइंस लिंक है, अगर लाइन ना भी हो ठीक है तो उसका मतलब ये फोर्स सप्लाई ही नहीं करेगा इस पे, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन उस चार्ज की और लाइनें भी देती हैं जो टिल्टेड हुई हैं, वो भी तो उसको अफेक्ट करके किसी और साइड पर टिल्ट कर देंगी ना। हाँ जी, वो भी, और दूसरा आप एरिया भी अगर एक फिक्स करें ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ है यहाँ तक, ये इसका एरिया है, तो ये वाला जो चार्ज रखा है वो इसकी फील्ड लाइन में ही अफेक्ट हो सकता है, उसकी फील्ड लाइन में जाके अफेक्ट नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई ये स्ट्रेट बनेगी। हाँ, इससे अगर आप थोड़ा सा राइट जाते हैं तो ये भी स्ट्रेट बनेंगी, लेफ्ट आते हैं तो ये टिल्ट होगी, और टिल्ट होने की मैंने रीज़न बता दी थी कि इन दोनों की आपस में इंट्रैक्शन है, और इसकी इंट्रैक्शन की वजह से ये टिल्ट हुई है थोड़ी सी, ये टिल्ट हुई है इस तरह से। यहाँ पर जो चार्ज रखा है उस पर जो फोर्स लगने वाली है इसके सोर्स की वजह से ही होगी, यानी कि जितना सोर्स होगा इसका कोई अमल नहीं उसका नहीं, यहाँ पर चार्ज पड़ा होगा। अब यहाँ पे भी अगर वही लॉजिक लगाएं कि ये क्रॉस नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी जो लगने वाली फोर्स है इसके बराबर ही होगी, यहाँ पे भी यहाँ तक जाते जाते इसी की वजह से होगी, ठीक है, यानी कि उतनी फोर्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे लें फोर्स तो यहाँ पे फिर इसकी वजह से होगी, यहाँ पे चार्ज रखेंगे जी सर, अब यहाँ पे लॉजिकली तो जीरो है, यानी कि अगर देखें तो, लेकिन यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि अचानक यहाँ पे जीरो हो गई लग रही है, क्या अचानक तो जीरो नहीं, अचानक नहीं हुई, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से लग रही, यहाँ पे जाके इसकी वजह से अमल कर लिया हमने, दोनों की नेट फोर्स जीरो हो गई, यानी कि देखें अगेन उस पे कोई इंपैक्ट नहीं, यहाँ पे सर इसकी वजह से अगर फोर्स देखे यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा नीचे तो फोर्स उतनी रहेगी, यानी कि अगर ये सर्कल बनाए तो यहाँ पूरे सर्कल पे सेम फोर्स रह रही है, एक की वजह से, तो यहाँ पे जाते अचानक ही हो रही है फिर, नहीं अचानक तो नहीं हुई है, ये एक तो नेट फोर्स आप देखें दोनों के, जब आपने मिड पॉइंट पे रखा है दोनों का इम्पैक्ट उस चार्ज पे सेम है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे ऊपर इस वक्त कितनी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो हम कह देते हैं ज़ीरो है, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं होगा कि हमारा चार्ज भी ज़ीरो है, हमारे ऊपर
चार्जेस की जो तादाद है पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों की बराबर है, नेट चार्ज हमारे ऊपर ज़ीरो है। इसी तरह इस पे जो नेट फोर्स है इसकी वजह से और इसकी वजह से वो ज़ीरो है। अब अगर आप इसी फील्ड के एरिया में रखते हैं, इसी फील्ड के एरिया में उस पे इम्पैक्ट ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप मिड पॉइंट दो पार्टिकल्स के दरमियान सेपरेशन, इनके सेंटर्स के दरमियान सेपरेशन, इसको रीअरेंज करके एक और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। वो किस तरह से लिखा जा सकता है, लाइक अगर मैं इसको यू लिखूं, दैट इज वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू वन ओवर आई आर स्क्वायर एंड क्यू इनटू क्यू, ये इक्विवेलेंट है दोनों, ठीक है। सिर्फ मैंने एक डिफरेंट वे से लिखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इससे हमें क्या चीज़ पता चल रही है, लेट्स सी। दिस फैक्टर डिफाइंस हाउ पार्टिकल्स इंट्रैक्शन इज अफेक्टेड बाय द फील्ड, सॉरी अफेक्टेड बाय द मीडियम, नॉट फील्ड, अफेक्टेड बाय द मीडियम। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा बिटवीन टू पार्टिकल्स, उसी रिस्पेक्ट से इस फैक्टर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, दैट मीन्स देर इज़ अ फ्री स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स। एंड व्हाट इज दिस द अदर फैक्टर, the factor controls the area of interaction, you see अगर हम r की वैल्यू चेंज करते हैं, r की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो इस फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ इंट्रैक्शन जितना ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, तो उस रिस्पेक्ट से फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है। तो ये बेसिकली एरिया बिटवीन टू पार्टिकल्स है, जो कि एक टू डायमेंशनल नहीं है बल्कि थ्री डायमेंशनल एरिया है। अब एरिया तो थ्री डायमेंशनल नहीं होता, थ्री डायमेंशनल तो एक स्फीयर बनता है, तो उस स्फीयर का जो आप कह लें कि सरफेस एरिया है, तो ये वो लिखा गया है। और ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। तो चार्जेस जितने स्ट्रांग होंगे उसी रिस्पेक्ट से ये इंट्रैक्शन या फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। मींस के फोर्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। वन ऑफ द फैक्टर इज़ मीडियम बिटवीन टू पार्टिकल्स, द अदर फैक्टर इज़ एरिया ऑफ इंट्रैक्शन, एंड द थर्ड फैक्टर इज़ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जी, तो अब अगर हम ये कहते हैं कि ये चार्जेस, एक चार्ज है क्यू और दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, तो उनके दरमियान फोर्स तो मैंने ये लिख दी है। लेट्स सी वी हैव नंबर ऑफ चार्जेस। बल्कि मैं पहले बता दूं कि इस चार्ज को क्या नाम दिया जाता है और इसको क्या नाम दिया जाता है। ये जो चार्ज है कॉमनली इसको नाम दिया जाता है प्रोब, या सम टाइम इसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, जिसके ज़रिए हम देख रहे हैं कि जो दूसरा पार्टिकल है वो कितनी फोर्स लगाया गया इलेक्ट्रिकली। और कॉमनली इस चार्ज को नाम दिया जाता है सोर्स चार्ज। अब एक बात नोट कर लें कि जो प्रोब होगा या टेस्ट चार्ज होगा किसी भी इंट्रैक्शन में, वो सिंगल चार्ज ही होगा, लेकिन सोर्स चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज के देर आर नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस। अब नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस हैं तो उस पे आपने फोर्स फाइंड करनी है, वो कैसे की जा सकती है। अब ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ़ यू हैव नंबर ऑफ चार्जेस, लेट्स सपोज यू हैव चार्जेस लाइक दिस वन, देर आर मैनी डिफरेंट चार्जेस, क्यू वन, क्यू, क्यू थ्री, क्यू आई, क्यू एन, बट यू हैव अनदर चार्ज दैट इज़ प्रोब।
अब हर एक चार्ज की फोर्स होगी दूसरे चार्ज के साथ। अब कलेक्टिव फोर्स, टोटल फोर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसका वेरी एक सिंपल वे है कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप इन दो की फोर्सेस फाइंड कर लें, लेट्स सपोज एफ वन, देन आप दूसरी फोर्सेस फाइंड कर लें क्यू टू के लिए, दैट इज़ लेट्स सपोज एफ टू, और तीसरे के लिए फाइंड कर लें दैट इज़ लेट्स सपोज एफ थ्री, एंड सो ऑन अप टू एफ एन, और लास्ट चार्ज के लिए आप इसी तरह से फोर्स फाइंड कर लें दैट इज़ एफ एन। सो द नेट फोर्स विल बी सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। ये वेरी सिंपल वे है नेट फोर्स फाइंड करना। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू सिंपली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज़ आई फ्रॉम वन टू एन। अब ये किसके इक्वल आएगी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर लास्ट टाइम जो फार्मूला लिखा है कूलम्स लॉ का उसी को यूज़ करें तो वो फार्मूला था वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू आई, लेट्स सपोज क्यू आई बाय आर आई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा समीशन आई फ्रॉम वन टू एन। तो ये फार्मूला बन जाएगा, या अल्टीमेटली इसको लिख सकते हैं क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई फ्रॉम वन टू एन एंड क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर। सो दैट इज़ दी फाइनल फार्मूला फॉर दी नेट फोर्स ड्यू टू ऑल दी चार्जेस। जी तो कूलम लॉ, फिर इसमें मीडियम का इफेक्ट आ जाता है, तो वो डिटेल की तरफ हम अब नहीं जा रहे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे कि कूलम फोर्स से और कौन सी क्वांटिटीज़ फाइंड की जा सकती है। एक तो फोर्स मैंने बता दिया कि फोर्स फाइंड की जा सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं आपको, ये लिखी हैं मैंने स्केलर फॉर्म में। एक कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो कि ये कूलम लॉ की कौन सी फॉर्म है, वैक्टर फॉर्म है या स्केलर फॉर्म है। जी आपका क्या ख्याल है, वैक्टर फॉर्म है या स्केलर फॉर्म है? स्केलर फॉर्म जो हम आंसर देते हैं ये गलत है, क्योंकि फोर्स तो कभी भी स्केलर हो ही नहीं सकती, फोर्स तो हमेशा वेक्टर ही होती है, ठीक है। हाँ हम इसको बेहतर होगा कि ये कहें कि ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है तो इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म कहा जा सकता है। अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं कि इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा देते हैं दैट इज़ आर आई हैट, सो ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वेरी सिंपल वे है इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब एक तो फोर्स इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, और क्या इसके थ्रू फाइंड किया जा सकता है कूलम लॉ के थ्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जब भी इंट्रैक्शन की बात आती है, इंट्रैक्शन जिस स्पेस के अंदर हो रही होती है उसको नाम दिया जाता है फील्ड। अब फील्ड की फर्दर टू टाइप्स हैं, एक स्केलर फील्ड है एक वैक्टर फील्ड है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ वैक्टर फील्ड। फील्ड कॉमनली दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, एक को नाम दिया जाता है पोजीशन और दूसरा टाइम। यानी कि अगर फिजिकल क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में इन दो वेरिएबल्स के साथ वेरी करे दैट विल बी फील्ड। और फील्ड को मेजर कैसे किया जाता है, फील्ड को मेजर करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसमें फोर्स फाइंड करते हैं। अगर फोर्स पता चल जाती है तो फील्ड की मेजरमेंट हो जाती है। इसके अलावा भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक आप ने पढ़े होंगे कर्ल भी हम यूज़ करते हैं, डाइवर्जेंस इस्तेमाल करते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है, वो फील्ड को ऑब्जर्व करने के डिफरेंट वेज हैं। तो फील्ड की जब बात आती है फील्ड की प्रॉपर एक स्ट्रेंथ भी होगी। लाइक अभी मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है, जिस एरिया तक जा रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पर अगर एक बाउंड्री फिक्स कर दी जाए तो उसको नाम दिया जाता है फील्ड का। लेकिन ये एक क्वालिटी होगी, इसके मेजरमेंट क्या है, इसके मेजरमेंट के लिए हम आमतौर पर स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये क्योंकि अभी हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर जो फील्ड को मेजर करने के लिए क्वांटिटी यूज़ होगी दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट क्वांटिटी वी आर गोइंग टू स्टडी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इट कैन बी डिफाइंड एज मैथमेटिकली the force is the electric force per unit charge, electric force per unit charge,
अब यहाँ पे अगर गौर करें, हमने यूनिट चार्ज की बात की है, लेकिन ये चार्ज कौन सा है? क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है, आइदर इट इज़ सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। लेट्स सी कि ये सोर्स चार्ज होगा या टेस्ट चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने देखना है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। अब लेट्स सपोज कि ये आपके पास है प्रॉब या टेस्ट चार्ज और ये आपके पास है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज को क्यू से शो करते हैं और टेस्ट चार्ज को कैपिटल क्यू से शो करते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज स्मॉल आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू दिस फोर्स डिवाइडेड बाय। जी आपका क्या ख्याल है, कौन सा चार्ज होना चाहिए? टेस्ट चार्ज। यस, टेस्ट चार्ज, क्योंकि फील्ड जो है, मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, आई एम द सोर्स ऑफ द साउंड। इसी तरह से लाइट है, तो लाइट कहाँ तक जा रही है? दैट इज़ द सोर्स ऑफ दैट लाइट। इसी तरह एसी है, उसकी कूलिंग कहाँ तक जा रही है? दैट इज़ द सोर्स ऑफ दैट कूलिंग। ठीक है, उसको हम चेक कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पेक्ट अपने ऊपर नहीं हो रहा, मेरी आवाज़ का इम्पेक्ट मेरे ऊपर नहीं हो रहा, आप लोगों के कानों पर हो रहा है। इसी तरह एसी की कूलिंग का इम्पैक्ट एसी पे नहीं हो रहा। ठीक है, तो यानी कि सेल्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी है जो दूसरों पे डिपेंड कर रही, तो दूसरों पे असर अंदाज हो रही है। दैट्स वाई इसकी फील्ड होगी वो इस टेस्ट चार्ज पे असर अंदाज हो रही है। तो इस पे कितनी फोर्स लग रही है इस चार्ज की वजह से, दैट विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट विल बी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अगर यही वाला फार्मूला यूज़ कर लें फॉर सिंगल चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 1/4 pi epsilon naught एंड इट विल बिकम स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। यू सी, यहाँ पर दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। 1/4 pi epsilon naught इसको हम कॉन्स्टेंट अगर ट्रीट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। वन ऑफ द फैक्टर इज सोर्स चार्ज एंड द अदर फैक्टर इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो मेनली आप ये कह सकते हैं कि ये सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रही है। सोर्स चार्ज जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज, उस पर बिल्कुल ये डिपेंड नहीं करेगी। और अगेन ये भी एक, क्योंकि वैक्टर क्वान्टिटी है, तो वैक्टर क्वान्टिटी होने की वजह से इसको भी हम वैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखी हुई है, दैट इज़ द स्केलर सॉरी मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने वैसे तो पहले क्लियर किया था, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। दिस इज़ द टेस्ट चार्ज और यू कैन से प्रॉब एंड द अदर वन इज सोर्स चार्ज। और अगेन ये क्लैरिफाई कर दूँ कि टेस्ट चार्ज सिंगल ही होगा, सोर्स चार्जेस मोर देन वन भी पॉसिबल हैं। यूनिट चार्ज कॉमनली हम फोर्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि अपनी मेजरमेंट के लिए एक स्केल डिफाइन कर लें। तो यूँ समझ लें कि ये एक स्केल ही डिफाइन किया हुआ है कि एक यूनिट पे फोर्स कितनी असर अंदाज हो रही है, उस रिस्पेक्ट से अगर उस तरह के दो यूनिट होंगे तो उस पर कितनी असर अंदाज होगी। तो इक्विवेलेंट फैक्टर के ज़रिए फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करते रहेंगे। ये 1 coulomb चार्ज है, यूनिट चार्ज अगर हम कंसीडर कर लें कि ये 1 coulomb चार्ज है। ठीक है, और 1 coulomb चार्ज पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ जाती है सिंपली एफ़ के। ठीक है, और अगर चार्ज को हम हाफ कर दें, यूनिट चार्ज की वजह 1/2 करें, तो उस पर स्ट्रेंथ कितनी अफेक्ट करेगी, वो 2 times फोर्स के इक्वल होगी। और अगर हम जो चार्ज है उसको डबल कर दें तो उस पर फोर्स का इम्पेक्ट हाफ रह जाएगा। तो एक हमने यूँ समझ लें कि स्केल डिफाइन कर लिया यूनिट चार्ज को, तो उस रिस्पेक्ट से बाकी तमाम फोर्सेस फाइंड की जा सकती हैं। और ये कॉमन वे है फिजिक्स के अंदर, मेजरमेंट के दौरान आप यूनिट सी डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर एक एग्जांपल दी जाए, या फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स में इवन हम यूज़ करते हैं, यूनिट मास यूज़ करते हैं, कार्बन का जो मास है, फिर उस रिस्पेक्ट से
बाकी तमाम मैसेज को फाइंड किया जाता है। तो ये एक स्केल डिफाइन किया जाता है यूनिट चार्ज जी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने लिख ली है, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड की जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है, दैट इज़ दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट अबव दी स्ट्रेट लाइन। लेट्स सपोज के हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स सपोज वी हैव अ स्ट्रेट लाइन एंड देर इज अ चार्ज प्लेस्ड अबव द प्रोब चार्ज प्लेस्ड अबव दैट चार्ज। लाइक ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर एक चार्ज है क्यू एंड देर इज अनदर चार्ज स्मॉल क्यू, और इस पूरी जो एक्सिस है इसकी टोटल लेंथ है डी बिटवीन दीज टू पॉइंट, और जी एक्सिस पे ऊपर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है जहाँ पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस। देर इज अ प्रोब चार्ज लेट्स सपोज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस। अब ये जो डिस्टेंस है ये होगा d बाई टू, और सिमिलरली ये भी d बाई टू होगा बिटवीन, बिकॉज दिस इज मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू चार्जेस। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आपने, कैसे फाइंड की जाएगी एट दैट पॉइंट। तो पहले तो हम देखते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। लेट्स सपोज ये चार्ज q1 है, ये चार्ज q2 है, बट दीज टू चार्जेस आर इक्वल। तो अगर इक्वल हैं इन दैट केस इसके इंट्रैक्शन में इस तरह से शो कर सकता हूँ, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा इन वेक्टर फॉर्म लेट्स सपोज f1, और ये इस पर एक फोर्स लगाएगा f2। अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करें तो ये बनेगा f1x एंड दिस विल बिकम f2x। सिमिलरली यू कैन से f1z एंड f2z। तो यू सी दैट f1x एंड f2x बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और जो फोर्स का कंपोनेंट बनेगा नेट कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस दैट विल बिकम जीरो, एंड द अदर कंपोनेंट दैट इज अलोंग वाई एक्सिस सॉरी जी एक्सिस। तो लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन दैट कंपोनेंट विल बिकम एफ वन एंड सॉरी एफ जी एफ वन कॉस थीटा प्लस एफ टू कॉस थीटा। अब क्योंकि दोनों चार्जेस भी इक्वल हैं और ये मिड पॉइंट पे लाई करता है, दैट्स वाई दोनों फोर्सेस के जो जी कंपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो आप अल्टीमेटली इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स एफ कॉस थीटा दैट विल बिकम जी कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब नेट फोर्स किसके इक्वल आएगी, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई अलॉन्ग विद देयर कंपोनेंट्स नॉट एफ वाई एफ जी। चलें कॉमनली हम इसको y का नाम देते हैं, मैंने इसको z का नाम दे दिया, दैट डजेंट मैटर। तो ये ज़ीरो प्लस टू टाइम्स f cos थीटा, सो इट बिकम्स टू f cos थीटा। ये नेट, ठीक है जी। इसको अब यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की जा सकती है। सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी जो मैंने फार्मूला लिखा है दैट इज़ फोर्स ओवर चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी इक्वल टू दिस नेट फोर्स डिवाइडेड बाय विच चार्ज,
जी स्मॉल की होगा या कैपिटल की? कैपिटल की. सो इट मस्ट बिकम 2f cos theta by q. सिंस f इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल q बाय r स्क्वेयर. देन पुटिंग दैट वैल्यू हियर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 2 times 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल q बाय r स्क्वेयर इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय दैट q. ये देखिए मैंने क्या किया कि इस f की वैल्यू जस्ट पुट की है, इस f की जगह ये सारी वैल्यू पुट की है, दिस होल वैल्यू. तो अब ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद ओनली 2 q cos थीटा बाय 4πε0 r स्क्वायर. That is the r is the distance. This is the r between two charges, small q and capital q. तो ये electric field different scenarios के अंदर different होगी. मतलब in general जो हम formula पढ़ते हैं 1/4πε0 q by r square, तो वो हमेशा वो केस नहीं होगा, बल्कि different सिनेरियोज़ के अंदर ये डिफरेंट बनेगा. सिमिलरली जब आप गाजला में जाके देखेंगे, गाजला के अंदर फील्ड के लिए इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स देखी जा सकती हैं. लाइक आके यहाँ पर मिड पॉइंट पे ले आए अनदर चार्ज को, तो उसके लिए फिर फार्मूला डिफरेंट बनेगा. और ये डिस्टेंस आप डिफरेंट कर दें और या उसको आप करीब ले आएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चार्ज को मूव करके नज़दीक ले आता हूँ, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिफरेंट. अगर डिफरेंट होंगे तो फिर ये फार्मूला नहीं बनेगा. अच्छा अब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में स्मॉल आर किसके इक्वल है? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप स्मॉल आर फाइंड कर सकते हैं. जी सर, व्हेन वी डिस्कस इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री फार्मूला 1/4πε0 q और r स्क्वायर, व्हाई वी टेक इनवर्स इनवर्स स्क्वायर इज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, व्हाई वी कैन नॉट टेक इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस. ये डिस्टेंस जब आप इंटेंसिटी को डिस्कस करते हैं सर, तो हम इन इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्यों लेते हैं, हम उसके डिस्टेंस के इनवर्स के प्रोपोर्शनल निकल लेते हैं. डिस्टेंस के यहां पर है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर है. अच्छा 1, ये आपने उसमें जब मैंने कूलम लॉ को लिखा था तो मैंने 3 फैक्टर बनाए थे. उसमें एक फैक्टर था 1/4πr² r² इज बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. ठीक है, अब दो चार्जेस हैं, लाइक एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है. आप जितना इनको दूर करते जाते हैं तो एरिया ऑफ इंट्रैक्शन उतना ही इंक्रीज़ होता जाता है, लेकिन इंट्रैक्शन की फोर्स उतनी ही वीक होती जाती है. तो आप इसमें 1/r डिफाइन ही नहीं कर सकते. 1/r अगर आपने डिफाइन करना है वो क्या होगा, वो इस तरीके से हो सकता है 1/2πr. ठीक है, लेट्स सपोज एज्यूम कर लेते हैं के फोर्स इस तरह से वेरी करती है 1/2πr. अब 1/2πr क्या है, ये कौन सा फैक्टर है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है. ठीक है, अब अगर तो फोर्स ऐसी है जो कि एक प्लेन के ऊपर वेरी कर रही है, तो फिर तो ये एज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि फोर्स प्लेन पे वेरी नहीं करती, फोर्स थ्री डायमेंशन में वेरी कर रही है, एक स्फीयर के अंदर आप कह सकते हैं कि वेरी कर रही है. तो दैट्स वाई हमें 4πr² ही लेना पड़ेगा, दैट इज़ द सर्फेस एरिया ऑफ द स्फीयर. और ये डिस्कशन आगे भी आएगी, ये अभी मैंने गाजला के अंदर डिस्कस करना है कि 1/r अगर लें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस द ज्योमेट्री ऑफ द डायग्राम. अब इस ज्योमेट्री में अगर आप देखें r किसके इक्वल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ कर लिया जाए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर विल बी ε0 cos थीटा भी हम फाइंड कर सकते हैं. cos थीटा भी अगर आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक cos थीटा अगर वहां से फाइंड करें दैट विल बी
बेस, दिस इज द बेस दैट इज जी ओवर आर। चलें पैरल, ये कॉस थीटा की जगह हम लिखें आर को, अगेन हम इसी से रिप्लेस करते हैं, जी स्क्वायर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इंटू वन ओवर आर स्क्वायर इंटू वन ओवर जी स्क्वायर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो पॉइंट एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप जी को वेरी करते हैं, लेट्स सपोज के जो आपका प्रॉब है, टेस्ट चार्ज है, उसको करीब ले आते हैं इन चार्जेस के या एक्स एक्सिस के करीब ले आते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के जब करीब लाते हैं, इन दैट केस व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर जी इज वेरी वेरी लेस देन डी। एक तो ये केस डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है, तो उस केस में आप देखते हैं कि ये जो टर्म है जी स्क्वेयर की, इसको आप इग्नोर कर देंगे इन कंपैरिजन ऑफ डी बाई टू, तो इसमें ये वाली टर्म भी आप इग्नोर कर देंगे और ये वाली टर्म भी इग्नोर कर देंगे, तो ये रिड्यूस हो जाएगा फार्मूला, ठीक है, जो कि सिर्फ डी की टर्म में आ जाएगा। ऑन द अदर साइड यू कैन ऑल्सो डिस्कस फॉर जी वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इन दैट केस डी बाई टू को आप इग्नोर कर देंगे, तो इग्नोर करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, ई विल बी इक्वल टू टू क्यू एंड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे जी एज सच एग्जिस्ट करेगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आप देखते हैं कि ये इग्नोर हो जाएगी टर्म, ये जी स्क्वायर स्क्वायर रूट रह जाएगा, दैट इज़ बेसिकली जी, और यहाँ से जी स्क्वायर, तो ये जी क्यूब होगा, ठीक है, दैट इज़ टू क्यूब बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एंड वन ओवर जी स्क्वायर। अब जब चार्ज को आप बहुत ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो उस सूरत में ये जो कंपोनेंट है दिस डजंट मैटर, जो आपने जनरल फार्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो भी आर पे ही डिपेंड कर रहा था, ठीक है। अब आर को रिप्लेस कर रहा है जी, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरल फार्मूले में आर पढ़ा था उसी तरह ये भी एक जनरल फार्मूला बना है फॉर दिस सिनेरियो जिसमें जी इन्वॉल्व है, तो इसमें डी डिपेंड डी मैटर ही नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ये आर इस पे जी पे ही डिपेंड करेगा। अब इन केस आप कहते हैं कि चार्ज जो है, मैं आपको स्ट्रेंथ भी बता रहा हूँ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ तक होती है, इसकी रेंज आपको पता है बहुत कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके कंपैरिजन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। लेट्स सी के जी की वैल्यू अप्रोच कर रही है इन्फिनिट को, देन व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डिनोमिनेटर में आप देखते हैं कि इन्फिनिट आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, तो दैट्स वाई आप जितना दूर लेके जा रहे हैं चार्ज को उतनी उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है। जी एनी क्वेश्चन अबाउट ऑल दिस एग्जांपल? आर से रिप्लेस नहीं हुआ, मैंने कहा कि जी यहाँ पे वही रोल प्ले कर रहा है जो कि जर्नल फार्मूले में आर रोल प्ले करता है, ठीक है, तो अदरवाइज तो क्या था, हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बना है उसमें जी भी इन्वॉल्व है डी भी इन्वॉल्व है कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इस सेंस में मैंने कहा है कि जो आर का उधर करेक्टर होता है जो आर रोल प्ले करता है, सिमिलरली यहाँ पर जी भी उसी तरह से रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने देखनी है पहले चार्ज की दूसरे की, तो उनको सम करेंगे, जैसे अभी मैंने लिखा था फार्मूला इसके लिए, अगर आप देखें ये नेट चार्ज का लिखा था फार्मूला, नेट फोर्स का, जिसमें सम ऑफ ऑल द इंट्रैक्शंस था, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही होगा, आप सिंपली सम ऑफ द ऑल इंट्रैक्शंस ले लेंगे। जी लास्ट केस
सिंगल पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं एज कंपेयर्ड टू टेस्ट चार्ज? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा एक और चार्ज में मुझे बताना याद नहीं रहा, एक हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज की। डू यू नो व्हाट इज पॉइंट चार्ज? वेरी सिंपल, अगर मून को देखें यहाँ से फ्रॉम दी अर्थ, उसको पॉइंट पार्टिकल कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब के ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट पार्टिकल इन रियलिटी एक पॉइंट की तरह हो, ये डिपेंड करता है कि उसका साइज़, अगर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जर्वेशन जहाँ से आप ले रहे हैं वो डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसको पॉइंट पार्टिकल कहा जा सकता है। जी इज इट क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। अच्छा कूलम ला हम यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ मैंने कूलम ला के थ्रू ही बताया है, लेकिन कूलम ला के अलावा भी हम एक ला पढ़ते हैं जो अभी हम आगे देखेंगे, दैट इज़ गॉस ला। तो क्वेश्चन ये है या आपके मोटिवेशन के लिए कि व्हाई डू वी नीड अनदर ला? जी हाँ जी, तो वो तो इससे भी हमने कूलम ला से ही की है, यहाँ गॉस ला तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया। कॉमनली ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए जो कूलम ला है वो इतना यूज़फुल नहीं रहता, ठीक है। लेकिन गॉस ला में भी हम लिमिटेशन देखेंगे कि कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे गॉस ला की बजाय कूलम ला ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन कॉमनली हम यही करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए वो वेरी सिंपल फार्मूला होता है उसका, गॉस ला का, वो हम प्रेफर करते हैं यूज़ करना। तो गॉस ला में हम देखेंगे लिमिटेशन के, ज्योमेट्री की लिमिटेशन उसमें आ जाती है। अगर तो वो सिमेट्रिक हो फिर तो हम गॉस ला यूज़ करते हैं, अगर असिमेट्रिक ज्योमेट्री आ जाती फिर गॉस ला को यूज़ नहीं किया जाता। हाउएवर गॉस ला के लिए हम यही देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए गॉस ला इस्तेमाल किया जाता है। तो गॉस ला शुरू करने से पहले मैं डिस्कस करूँगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत हमें, डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डील किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। बेसिकली तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही हम डिस्ट्रीब्यूशन को डील करते हैं, जब हमारे पास कह लें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मैथमेटिकली उनको डील करना काफ़ी मुश्किल होता जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले जाते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह होगा कि हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसके ज़रिए वो सारे का सारा मैथमेटिकल मॉडल एक सिंगल फार्मूले के थ्रू स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। के लिए डिफरेंट फार्मूलाए होते हैं। अब यहाँ क्योंकि हम चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने जा रहे हैं तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हम ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट से या डायमेंशन के रिस्पेक्ट से करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन वो होगी जिसको वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा सकता है, और फिर टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन और थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स सी व्हाट इज वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर चार्ज distribution is what? That is some charge divided by length. Okay, one distribution kya hai isko ye show kar diya jata hai, that is charge per unit area and then volume।